उसका कहता है कि रोना नहीं, और ये रोने लग गई, रोना नहीं है। हाँ हाँ भाई, ये होता है ना, हम तो साथ हैं ना, अल्लाह खैर करेगा। इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी सी बीमारी है, ऐसे आप परेशान और रो रही हो। हाँ अब बेहतर है, अब बेहतर है। ये देखें जी, यहाँ पर ना ये सारे अब दाने काले काले हो चुके हैं। इसके स्टाइल अलग से हैं, मुंह पका हुआ है। ये खामोशी छाई हुई थी, खैर तो थी। वीडियो का सोच रहे थे, सबको कह दिया था एक बार जरा खामोश हो जाए, वीडियो बनता है। मांग रही है मेरी चीज। क्या दुआ मांग रही हो? ऐसे ना, रोटी फ्री है खाने के साथ, रोटी फ्री होती है। हाँ, खाने के साथ, सालन के साथ रोटी जो है ना फ्री देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, मैं भी फिट फाट। तो जी दोस्तों, हमारा शाम वाला व्लॉग हो गया स्टार्ट, इसमें एक दुआ के साथ के जो मेरे बहन भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए, और जो लोग जिन परेशानियों में मुब्तला हैं अल्लाह पाक उन सबकी परेशानियाँ दूर फरमाए, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमाए, और मेरे साथ देखने वाले बहन भाइयों पर अपना रहमत करम फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो जी दोस्तों, हमारा शाम वाला व्लॉग हो गया स्टार्ट, और जैसा कि सुबह वाला व्लॉग में देखा कि बच्चों का एडमिशन वगैरह करवाना था, वो सारा जो प्रोसीजर था सबने देख लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना दोपहर का टाइम है, दो ढाई का टाइम है, ये देखें ढाई का टाइम है, और खाने का टाइम है। सब खाना वगैरह मेहमान जैसे आए हुए हैं, मेरी मसाद और उसका बेटा जैसे कि आए हुए हैं, आप सबने देखा पिछले वीडियो में। तो अभी जो है ना उनको खाना वगैरह दे रहे हैं, अम्मी अब्बू साहब ये भी खाना खा रहे हैं, और मेरा अबू जान भी इधर देखें माशाल्लाह से खाना खा रहा है। अबू जान और कोई चीज़ चाहिए? और खाना वगैरह, रोटी वगैरह, सालन रोटी, ये चीज़ें, पानी, पानी है? हाँ वो रखा है, ठीक ठीक, पानी है पड़ा। और कोई चीज़ चाहिए तो हुक्म करें, बुरबाश। चलो जी, बापू जान के पास खाना भी पड़ा है, रोटी सालन पानी सब कुछ पड़ा है, और जो है ना मेरी अमीना जो है इधर क्या कर रही, अमीना क्या कर रही हो? अच्छा मिर्चा खाओगी? इसके स्टाइल अलग से हैं, मुंह पका हुआ है, मुंह मतलब हाँ मुंह पका हुआ कहते हैं ना, मुंह पका हुआ है, लेकिन इस मैडम के काम देखे मिर्चा, मिर्चें जो हरी मिर्च है उसकी चटनी बना के वो खाएगी कि मेरा मुंह पका हुआ है। वाह उस्ताद वाह, आपके स्टाइल तो अलग से होते हैं सरदार। हाँ। ये कैसा स्टाइल है आपका? आपका मुंह पका हुआ है, ऊपर से फिर आप मिर्चें खाओगी, हरी मिर्च, इससे फिर कुछ नहीं होगा? ओ कौड़े लगते ना। हाँ। थोड़े नून से तेज हम पानी साटे। हाँ। मर्दी। अच्छा। हाँ जी, नून नमक साट के और थोड़ा पानी डाल के मिर्चा की चटनी बना के फिर खाएगी, फिर कौड़ी नहीं लगेगी। हाँ। वाह सरदार वाह, वाह मेरा हनी सिंह वाह। हाँ चलेंगे उधर फिर इंशाल्लाह। चलो जी, इसके स्टाइल तो देख लो, अगर इधर मैं रोक दूँ इसको तो इसने ना जो करना है वो तो आप पिछली सब वीडियो में देख सकते हो, ये जो करती है फिर ऐसे फाइटिंग करती है जैसे मैं ना इसका सारे इलाके का मैंने नुकसान कर दिया हो, और इधर जो है ना माशाल्लाह से वो दुआएं मांग रही है मेरी चीज। क्या दुआ मांग रही हो? अच्छा गाड़ी की दुआ मांग रही हो? वाह जी वाह, माशाल्लाह। और जवेरिया इधर जो है खाना खा रही है, अम्मी जान सबको दे रही है। अम्मी जान क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह अम्मी की तबीयत खराब थी लेकिन अब कुछ ठीक है। और हाँ अच्छा, तो फिर जो है ना, हाँ हाँ तेरी तबीयत ठीक है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा चलो खाना खाओ फिर, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और माशाल्लाह अम्मी जान जो है खाना दे रही है, सलमा सरदार इधर बैठी हुई है, पानी फूंक रही है, प्यास लग रही। सलाम दुआ कर लो फिर बाकी बात। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, उम्मीद करती हूं सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, हम भी माशाल्लाह ठीक हैं और हमारे घर में भी सब ठीक है। तो हमारा श्याम वाला व्लॉग ना शुरू हो चुका है, रहना है हमारे साथ, हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। हां जी, तो अभी जो है ना दोपहर का टाइम है, दोपहर का खाना खा रहे हैं, तो हमने सोचा वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं, जो भी माहौल होगा इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे, रहना है हमारे साथ, बिल्कुल साथ। और मेहमान जो है मसाद और उसकी बेटी, उसका बेटा,
बेटी और बेटा, बेटी दरमियान में है ना, मसाद की बेटी और बेटा माशाल्लाह वो उधर बैठे हैं, वो खाना खा रहे हैं और कद्दू शरीफ के साथ खा रहे हैं। दावत आपको शाम को खिलाएंगे, नाराज़ नहीं हो ना, क्योंकि अभी जो है ना फौरी तौर आप जब आए तो उस वक्त ये बनाई हुई थी। हाँ इंशाल्लाह फिर शाम को बनाएंगे, तो बाकी जो है ना खाना खाओ आप, पानी वगैरह उनको नहीं दिया। इनकी दुआएं अल्लाह करे, अल्लाह कबूल करे, बस ये दुआएं कर रही है ना, इनकी दुआएं कबूल कर ले, कबूल करे जो अल्लाह पाक जो है ना इनकी दुआएं कबूल करे इंशाल्लाह। हाँ। इनकी दुआ सुने अल्लाह पाक और आमीन। हाँ। हाँ। और ये माशाल्लाह इनको देखें, ये सुकून में है, ऊपर गर्मी है ना, इधर सुकून से सोए पड़े हैं, और अयान खान इधर टुकड़े कर रहा है रोटी के, आतिफ खान ये इधर रोटी खा रहा है, और जवेरिया खान जो है रोटी खा के उधर बैठी है। खा लिया आपने बेटा? चलो जी हम भी खाते हैं खाना और मिलते हैं फिर कुछ देर में। वेलकम बैक। तो जी दोस्तों काफ़ी देर सोने के बाद अभी जाग हुई और बाहर देखा तो मगरब होने वाली थी, आज तो टाइम का ही नहीं पता चला, और भाई और फरहान गए थे खानपुर सिटी। हाँ ले आए? क्या ले आए? गिफ्ट। किधर है ये गिफ्ट? है ये दिखाया है वीडियो में या नहीं दिखाया? अभी नहीं अभी नहीं दिखाया। सरप्राइज है ले आया हो गिफ्ट? बस एक गिफ्ट यही लिया है? आवाज तो पहले बोली थी ना। हाँ जी सही सही। और दूसरी बाइक कहाँ है? अपनी बाइक कहाँ है? बाहर है। सही दोनों खड़ी हैं। ये देखो ये देखने आ गए अपने मामू को। चलो सही हो गया, चलो फिर। हाँ दिखा देना फिर सरप्राइज अपना। और अबू जान और अमीना इधर बैठे हुए हैं, और ये देखो ये परी अभी उठाई है। सही सही। और इधर जो है ना अबू जान और अमीना बैठे हुए हैं। हाँ अमीना हाँ गर्मी सो रहे थे, पता नहीं चला दिन खत्म हो गया। हाँ मेरा ब्लड हाई थी ना, मैंने कहा करवाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो जी और अम्मी जान भी उठ के आ गई है, ये देखे अम्मी जान भी सो गई थी, इनको भी नहीं पता चला के अब देखे अम्मी टाइम क्या हो गया है, मगरिब हो गई है। हमें तो आज पता नहीं चला किसी को भी, ऐसे सुकून से पड़े जो रहे ना, बस सारा दिन गुजर गया। सही सही। चलो जी आप मुँह हाथ धो लें, रोटी जो यही है ना कि लेट तक सोए ना उसकी वजह से आप मैदा जो है हाजमा ही नहीं कर रहा, ऊपर से वो आ रहा है अजीब सा, मैदा ख़राब हो गया है। यही कहते हैं डॉक्टर के लेट मत सोया करो, आज सोए तो का नुकसान हो रहा है हमारा। और यहाँ पर जो है ना वो देखें बच्चे वो सो रहे हैं, और बेगम साहब इधर परी को खिला रही है अभी जो है ना। बाकी चलो जी रूटीन जो भी होगी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करें। माशाल्लाह जी मेरी बेगम साहबा जो है ना वो जल्दी जल्दी से फ्रेश होके नहा धो के आ गई है, एक मिनट लगाया है, नहा भी लिया और फ्रेश होके आ गई है। वाह जी वाह वाह सरदार वाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, क्या हाल है, करती हूँ सब लोग ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से, हमें माशाल्लाह ठीक है, और हमारे घर में भी सब ठीक है। तो हमारा शाम वाला व्लॉग है ना वो तो शुरू है। हाँ। तो अभी रहना है हमारे साथ, जो भी रूटीन है बहन भाइयों से करते हैं शेयर। बिल्कुल बिल्कुल। और शेयर करने के बाद ये भी बताता चलूँ कि मेहमान जो है ना उधर से होके आ गए हैं। अच्छा। और मेहमानों का भी वो खाना वगैरह का भी प्रोग्राम करना है, तो अंधेरा हो चुका है, तो उसके बारे में फिर बताओ, उबासियाँ ना दो अभी, और फिर बताओ क्या लेना है क्या खाना है, तो मैं ताकि शानू को भेजूं, वो शानू जल्दी जल्दी से ले आए फिर। हाँ मेहमानों से पूछें जो बोले वो चीज़ ले आए बस। मेहमान ऊपर हैं? हाँ ऊपर शायद बैठे होंगे। हाँ ऊपर बैठे होंगे। और ये जो है ना इसने अपनी लोकी चेंज कर ली है, और अम्मी जान अली परी को जो है ना खिला रही है। परी देखो ये अभी ये भी नींद से उठी है, और ये भी नशे बनी हुई है, और ये देखो खान साहब, ये हमारे खान साहब आंखें देखो ये भी उठ के आ रहा है, तो दिन को सोते हैं रात को जागते हैं, ये हमारे घर में अजीब रूटीन आज बन गई है। सब देखो सो रहे हैं अब उठ गए हैं। और इधर आया हुआ वसीम खान। वसीम खान क्या हाल है? ठीक है। ठीक हो जी? आपके अबू की तबीयत ठीक है?
बेहतर है जी। चलो माशाल्लाह अल्लाह पाक सेहत दे। वो अकरम भाई के भी यही हुआ था कि मोबाइल उसका भी आया हुआ है, उन्होंने बोला कि हमारी वीडियो भी कंप्लीट कर देना, वीडियो बना देना, हमारे फुर्सत इतनी है कि हमारी सेहत अच्छी नहीं है इसलिए हम वीडियो नहीं बना सकते, तो आपने बनानी है। तो अभी जो है चलते हैं ऊपर, आप भी जा रही है ऊपर? देखो वो ची चाल शुरू हो गई है, उनकी रोना शुरू हो गया है, और ऊपर जो है माशाल्लाह हवा चल रही है, नीचे तो नहीं हवा और ऊपर जो है ना हवा चल रही है, और मेहमान जो है ना ऊपर। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये खामोशी छाई हुई थी, खैर तो थी? अच्छा खामोशी खामोशी करते करते फिर फरहान का सरप्राइज हाँ सरप्राइज इसका दिखा रहे हैं। हवा चली हुई है माशाल्लाह, हम सिटी में थे तो ऐसे काले बादल उठे, हमने कहा शायद जोरदार अंधेरी आने वाली। हाँ हवा वैसे चली हुई है, वो देखो चंदा मामू नजर आ रहा है, बादल है नहीं अब इस तरह, ये वाले बादल हैं, ये वाले काले काले। चलो जी सही हो गया, और इधर जो है ना गिफ्ट दिखाए जा रहे हैं। दुआ बीबी हंसती हो आज आप लोग, हम जब गए थे उस वक्त से सोए, अभी हम वापस आए अभी तक भी सो रहे थे। हाँ ये आज पता नहीं क्या नशाई बने हुए थे हम सारे के सारे, मम्मी भी भाभी भी बच्चे भी बच्चे भी पता नहीं ऐसा क्या, जान और अमीना बैठे हुए थे बाकी सब सो रहे। हाँ ऐसा आज पता नहीं क्या हुआ कि ये आप ऊपर आ गई थी। हाँ जी आप सो रहे थे तो मैंने फिर भी सो रहे। हाँ आज पता नहीं क्या ऐसा हुआ, समझ नहीं आई हमारे साथ, सब तो सो रहे हैं, मैं ऐसे ऊपर फरिश्ता बन के बैठी हूँ। हाँ आज हमारे साथ ना कोई जादू हुआ है, और हमारे मेहमान जो है ना वो आ चुके हैं, इनसे पूछो आप हाल हवाल लो के क्या खाना है क्या पीना है। वो हुए हवा का जब झोंका आता है ऐसे सुरूर आता है, सुकून सा आता है। नीचे कितनी गर्मी थी, अब ऊपर आए हैं तो ठंड लग रही है। ओए 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 मेहमान लोग बताओ क्या खाना है आप लोगों ने। वो नंबरदार भी आया हुआ है, नंबरदार छुपके छुपके अस्सलाम वालेकुम। मैंने बोला चलो मामू इधर बाहर कर ले फिर बाहर। वाह जी वाह वाह जी वाह। और सुनाओ ठीक हो? आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? आप वो वैसे वैसी है, बच्चे वो भी वैसे ठीक है, बस ये सारे ऐसे हैं। अच्छा चलो अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और बाकी जो है ना आप लोग बताओ के... देर से भी बन जाएगी खा लेंगे हम। नहीं नहीं हमें आप बताएं फिर वही चीज बनाए ना। नहीं चावल खाते हैं या गोश्त खाते हैं? गोश्त भी खाते हैं, सब चीज खाते हैं, सब चीज खाते हैं। हाँ फिर आप लोग बताओ क्या बनाए आप लोग कुछ, अब आपको आपको आप क्या बना रहे हो? मैं तो अभी सिटी से आया हूँ, पता नहीं क्या नहीं, हमारा सालन दोपहर वाला रखा हुआ है, हम सिर्फ रोटी बना रहे थे। आप रोटी बना रहे थे, चलो फिर मेहमानों के लिए फिर क्या आप बताओ क्या बनाना है, मैं फिर वो मंगवाऊँ ना जल्दी से, टाइम फिर ज्यादा हो चुका, अंधेरा हो चुका है। अंधेरा तो हो चुका है, पता नहीं वो बैठे भी होंगे या यही तो इसलिए हाँ। तो कहता हूँ बातें बातों में ना काम रोक ना जाए, तो बताओ जल्दी जल्दी से फिर। चिकन तो अभी मिलेगा नहीं, चिकन वाले बंद हो गए होंगे अभी, वो मगरिब से पहले पहले बंद हो जाते हैं। हाँ। मैं तो कहूँ हमारी भी दोपहर को मैं रोटी बनाई थी तो किसी ने खाई भी नहीं। हाँ। बहुत सारी रोटी रखी है डहाट वाट में, सही है, तो सालन भी रखा है। हाँ। तो बस मेहमानों के लिए जो है ना आप सालन ले आना बस। अच्छा ड्रेस सालन ले आऊं? टाइम भी नहीं है। हाँ चलो होटल होटल पे इनके लिए सालन ले आता हूँ, बाकी सालन हमारा अपना पड़ा है रोटियों में। चलो ये भी सही हो गया, क्योंकि अब टाइम इतना हो गया, अब सामान ले फिर बनाए फिर गैस चली जाएगी। हाँ ये भी है, चलो कोई बात नहीं ऐसा कर लेते हैं। हाँ मेहमानों के लिए वो चिकन की प्लेट ले आना, फिर रोटी ला देंगे। प्लास्टिक की होती है, सालन सालन चिकन होता है, सालन चिकन होता है, चिकन का सालन ले आना ऐसे बोलना था। चलो सही है ये भी सही है। चलो जी इधर साहब जो है ना तो माहौल बना के बैठे हुए हैं, और इन्होंने अपना सरप्राइज वगैरह गिफ्ट वगैरह दिखाने हैं, वो दिखा लें उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से, सही है? हाँ जी हम फिर मिलते हैं, और वो जो है ना उनका टाइम जाया कर रहे हैं, वो बेचारे चुप करके कट गए कब इनका कैमरा बंद होता है और कब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ओके ओके ओके, मसरूफ है ऐसे, हम उसके इंतजार खड़े हैं अंदर, पता नहीं क्या कर रही, वो आएगी तो हम भी वीडियो शुरू करेंगे। सही सही, चलो जी सही हो गया, ओके हो गया, हम बंद। दूध ले आए हो? नहीं। क्यों? अभी लेने जाना है। सही सही,
चलो आपकी अम्मी जो है ना उसको बोलो आपको दूध के पैसे दे, आप दूध ले आओ जल्दी से, वो इधर है सलमान, इधर है, इसको दूध के पैसे दो, ये टाइम से दूध ले आए, और मुझे भी पैसे दो, मैं वो मेहमानों के लिए फिर ले आऊँ। हाँ वो दो आप। चलो जी पैसे ले लें, और मैं भी आतिफ भी, मैं मेहमानों के लिए कोई सालन वगैरह ले आता हूँ, और ये ले आता है दूध, तो मिलते हैं फिर कुछ देर में। सलमान खान है। हाँ मेरे सलमान खान जी। मेरे अबू जान कहते हैं कि मुझे भी खर्चा चाहिए, तो अबू को दो, फिर अबू के लिए खर्ची दे दो, अबू को ना उसकी जेब खाली है। ये कितने हैं? 300 हाँ, और ये करो, है 500, आपको कितना चाहिए? ऐसा करो फिर, आप जो सामान लेना है अबू को 300 ना दो, 500 दो, अबू को 500 दे दो, वो फिर बार बार मांगते हाँ, रहेंगे। ये लो। हाँ 500 उनका खर्चा चल जाएगा, और ये जो है ना मैं फिर लेके चलता हूँ, मैं ये पहले अबू को दे दूँ। ये जी अबू, अबू जान ना मुझे कह रहे थे कि यार मुझे खर्चा चाहिए, तो ये मेरा सरदार ये सोया पड़ा है, सरदार है, ये लो 500 ढेर है, काफ़ी है। हाँ जी किलो वाला, थोड़े जे तो किलो। हाँ ये बात, अबू जान जो है ना, अबू जान को खर्ची दे दी है, ताकि अबू जान ना अपना खर्चा मतलब के जैसे उनको चीज़ ज़रूरत होती है, कभी कभी जूस, कभी फ्रूट, कभी कोई चीज़ मंगा लेते हैं, तो अभी जो है ना मुझे भी खर्चा दो। ये 300 रुपए की प्लेट एक भी नहीं आएगी मेहमानों की। कितना चाहिए? कितना मतलब सालन की प्लेट पता नहीं कितने की मिलती है, चलो जी देखते हैं उसी हिसाब से फिर पैसे लेके जाऊंगा उधर। ये सालन जो लेना है, दो प्लेट लेनी है, एक एक प्लेट में कितना होता है? थोड़ा सा होता है, दो बूटियां डालते हैं। पिछली बार किसके लिए लेके आए थे? वो तीन प्लेटें आई थी, वो तीन, वो उनके लिए था। अच्छा वो तीन प्लेटें थी, तीन प्लेटें थी, नहीं फिर आप दो ले आना दो। चलो फिर ऐसा करते हैं, चलो जी चलते हैं फिर चौक पे, उधर जो भी है इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे, आपने रहना साथ, होटल पे चलते हैं उधर। मलिक क्या हाल है? ठीक सर। देखो ये पेड़ा लग रहा है? नहीं रोटी, पेड़ा लग रहा है, रोटी उधर लग रही है। अच्छा हाँ, और पेड़ा देखो छोटा सा, अम्बली कितना? 100 रुपए, 100 ग्राम का पेड़ा, 100 ग्राम, पूरे 100 ग्राम का। हाँ जी, हाँ जी 100 ग्राम का अंदाजा हो गया है। मलिक साहब मुझे ना दो प्लेट चिकन की, तो जबरदस्त मिसाल ला के, हाँ मेहमान आए हुए हैं ना एम एस, जबरदस्त। काले जोड़े वाले क्या हाल है तेरा? ठीक हो, तबीयत ठीक है, खुश वधे हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, लो खुश वधे हो। मलिक होटल आला खानों का मरकज, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, सब्जी फ्री, ऐसे ना? यस सर। रोटी फ्री है? खाने के साथ रोटी फ्री होती है। हाँ खाने के साथ, सालन के साथ रोटी जो है ना फ्री देता है, इसलिए काला जोड़ा इसने पहना है, वाइट इसने पहना है, और ये इसने, इसका ये तीनों भाई है, ऐसे ना जी। बड़ा कौन है? बड़ा ये बड़ा है, और छोटा वो है, फिर छोटे आप हो भाई है। चलो जी इधर से लेते हैं माशाल्लाह, यहाँ पर देखें सारा पतीले तपीले लगे हुए हैं, इधर से लेते हैं सालन और फिर चलते हैं घर की तरफ। जी दोस्तों फाइनली वापस आ चुका हूँ मैं, सालन लेकर, और जो है ना मेहमान वैसे नीचे अभी नहीं आए, अभी ऊपर ही हैं मेरे सोने मेरे शहजादे, ये लो दो प्लेट। हाँ अब जो है ना, अब आपके ऊपर है कि आप अभी से उनको खिला दो या लेट खिलाओ, ये आपके ऊपर है। नहीं अभी खिला देते हैं ना, अकरम भाई की काले आ रही है, आपके पास आई? नहीं मेरे पास तो नहीं। क्या मेरे पास काले आई है, बोला कि काफी टाइम हो गया है और वसीम भी नहीं है। हाँ। तो कहीं और चला के आए, तो इधर ही है, तो जो है ना परेशान हो रहा था। अच्छा। ये भी सोच रहा होगा कि जो है ना वीडियो का भी, सुबह की भी नहीं गई अभी, ये भी मतलब टाइम से हम बना देते तो टाइम से डाल देता इस टाइम। बस अब क्या करें, कोई हो जाता है ऊपर नीचे काम, ऐसे ही मजबूरी बन जाती है। चलो खैर कोई नहीं, वो करते हैं उसका भी। तो ये जो है ना अब इन मेहमानों को दो सालन फ्री हो के फिर उधर चलते हैं ना फिर। बस मैं अभी वो देखे चाय भी, दूध गर्म कर लिया, चाय भी बना दी, बस मेहमानों को खाना देते हैं। हाँ। फिर चलते हैं, पहले उनकी वीडियो, अपनी की टेंशन नहीं है। हाँ। तो देर सवेर चली जाती है। हाँ, लेकिन सुबह की हमने डाली है, लेकिन उनकी है, पहले हम उनकी वीडियो कम्प्लीट करके उनके पहुँचा के ना उनसे हाल हवाल भी पूछ आते हैं ना। आज पता नहीं क्या है मेरा ना,
ब्लड लो है, दिल अजीब सा हो रहा है। वो मेरा साथ भी यही सिचुएशन है। ये आप हमारा पता है क्या बेटाइम सोने की वजह से, हम सोए ना फिर पता ही नहीं चला, पड़े रहे, उसकी वजह से वो फिर हो गया है। अब मैं जबरदस्ती खुद को भगा दुखा रहा हूँ कि ये मेरा मतलब कि वो चलने से ना मैदा कुछ फ्रेश हो जाए। अभी ऐसा लगता है हजम नहीं हुई दोपहर वाला खाना, बाहर निकलता है। ये वाला हिसाब है, लेकिन ये अपने ऊपर है, सब हमारी वजह है खुद की। लेट तक जब सोएंगे, अभी देखो वो बेबी अभी भी सोई हुई है। और ये कहाँ गए थे, बर्फ नहीं पड़ी क्या? जो होती है खत्म हो जाती है, फिर जो दिन को तो बर्फ बनती भी नहीं है, जो रात को बनती है ना वो ही दिन को खत्म हो जाती है। इस टाइम रोज ये जाके ना ले आते हैं। सही, हाँ। वो कार क्या? वो वाली कार। ये आप भी आप लेकर आए थे वो वाली कार? वो अजीब है, खराब। अच्छा उस वक्त ना, हाँ अब वो खराब हो गई है। ऐसी बातें नहीं करो, हाँ। वो जो है ना बस आप यहाँ दे करो, आप फिर दिन से पढ़ाई करो। हाँ। अगले साल इससे बड़ा गिफ्ट मिलेगा फिर। जब आप कितनी क्लास में फिर हो गए? ये देखो ना शुक्रे नहीं होते आपके। हाँ। पास फिर भी है, वसीम के पास वो भी नहीं है। वो देखे वो, हाँ। हाँ, वो तो बद्दा है, वो भी तो घूम फिर रहा है। लेकिन ये बच्चों का यही होता है, एक चीज पहले ये देखी सब खुश थे, ये अच्छी है, अब वो दूसरी देखी तो बस उधर इनका। तो खुराक खिलाई है? नहीं अभी नहीं खिलाई। मुझे खिलाने आती है। नहीं खिलानी आती। हाँ। वो गोली में डाल दी होती है तो मुझे नहीं पता। अच्छा आप ऐसा करो, ऊपर जाओ मेहमानों को। ये क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं ऊपर क्या? वो बर्फ तोड़ रहे हैं। मेहमानों को बुला के ले आओ, आ जाओ जल्दी से खाना खा लो, ठंडा बुला के ले आओ। अबू जान आपको भूख लगी है? अबू जान को भी भूख लगी है। बाइक को क्या करूँ, चाबी इधर पड़ी थी। आपकी बाइक की चाबी है ये इधर, वो टंगनी पड़ती है इस जगह पे, ये टंगी हुई है। और बाइक ये ना अकरम भाई की बाइक है उसकी, वो देखें। और इधर जो है ना, ये क्या बर्तन धोने बैठ गई? दो लोग परे हो जा। ये देखें जी फरहान ने ये गिफ्ट लिया है, वो पता नहीं ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बटुआ। ये बटुआ है, ये नाम लिखा हुआ है। ये वाला फिरोजन ये है फिरोजन, इस डब्बे के ऊपर है। ये देखें ये वाली गाड़ी है, इसको यार वो कहते हैं बिच्छू, ये बिच्छू है, ये देखें बिच्छू की तरह तो है, पूछ भी है ऐसी। ये पागल हो गया है, ये खराब है, ये को पागल हो गया है। ये ऊपर वाले पहिए क्यों लगे हुए हैं? ऊपर वाले जब छोटे ऐसे रख दो या उल्टा रख दो फिर भी चलता रहेगा। वो छिट्टा हो गया, ये तो पागल है, देखो ऐसे भी चलेगा क्या? मतलब ये उल्टा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो चलता रहेगा। सही सही, यही गिफ्ट है आपका? वाह जी वाह, क्या बात है। चलो जी, एक घड़ी ली है, ये कौन सी है, पानी वाली? पता नहीं है, ले आए हो चीज का पता भी नहीं है आपको। वाटरप्रूफ है कहते हैं, वाटरप्रूफ है। चलो ये आवाजें क्यों लगाता है वो? धाड़ वो ये अंदर म्यूजिक है। हाँ वो देखो, वो छोड़ आवाज नहीं लगाता है, ऐसे घूमता है। चलो सही है, ओके करो, खेलो। मैं आपको लेने आया हूँ, नीचे मेरी जो वाइफ है ना सलमा, वो कहती है मेहमानों को बुलाओ जल्दी से खाना खा ले। अच्छा मैंने कहा, कहता है मेरी जो वाइफ है वो कहती है मेहमानों को बुलाओ, मूंझ आई है। हाँ वो मूंझ आई हुई है ना, कहती है कि खाना आ गया तो खाना गरम गरम जैसे है ना खा लो फिर आप। हाँ भी हीरो आ जाओ फिर, जल्दी जल्दी से आ जाओ फिर। आप बुलाने आए थे, आप फिर इधर गेम में लग गए। इसको बुलाया है? नहीं बुलाया है। चलो जी, आपकी चूचा बंद होती है दुआ हंसेगी। हाँ रोती भी है हंसती भी है ना। चलो जी माशाल्लाह, इधर रौनक लगी हुई है, नंबरदार भी इधर बैठा हुआ है। ऐसी है, रो रही हो ना तो बात करो। क्या बात है,
ऐसी है, मैंने कहा रो रही हो ना तो बातें करो भाई, हंस सुननी हो आपको, हंसी देखनी हो तो फिर हंसी दिखाती है। हाँ, ये है कि अपने अपना हिसाब साइड पर रख लेती है तो रोल हंस लेती है। आओ मसात, आप आ जाओ फिर। हाँ आ जाओ, चलो जी, मेहमानों को बोल दिया है। हाँ आ गया कि मैं जा रहा हूँ, पीछे मसात आ रही है बस। हाँ मसात मीठी दात। चलो जी चलते हैं फिर नीचे, और ये देखो ये आगे भाग रहा है, उधर चल करना मैडम साहबा, इधर देखो पानी वगैरह रेडी कर रही है। अंधेरा आज कुछ ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है अंधेरा जैसे ज़्यादा हो। इधर जो है ना पानी मसात नहीं आ रही, ज़बरदस्ती लेके आ रहे हो क्या? नहीं, वो बैठे थे बस बातें कर रहे थे, कहते आ रही हूँ, वो अब आ रहे हैं। रब्बू जान जो है इधर माशाल्लाह खाना खा रहे हैं। अम्मी जान कहाँ गई? वो दोनों को उधर टीवी पे जो है ना रोका हुआ है, रोका हुआ है। हाँ, ये भी अच्छी तो बात है, करती है ना, वीडियो जब बनाने लगते हैं तो रोने शुरू हो जाती है। सही सही, चलो जी ऐसा ही ठीक हो गया। आज बीबी ने तो अयाशी हमारी तरह किया, वो देखो सुकून हाँ, से सोई पड़ी है। सो रही है, अब रात को तंग करेगी अपनी अम्मी अबू को। और मैं इधर चारपाई पे ला दूं या अंदर? अंदर बैठा दो चारपाई पे, क्या फिर पानी दो, फिर मुझे भी पानी चाहिए, प्यास लगी है। चलो जी पानी पीते हैं फिर। सालन रोटी लग गई है ये देखें, और मेहमान भी आ चुके हैं माशाल्लाह से। अब जो है ना इधर ये खाना खाते हैं, और मेरा जो है ना शहजादा ये भी देखो, ये भी इधर खाना खा रहा है। सही है ना? हाँ खाओ खाओ, चलो जी आप बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाएं। हाँ हम ऐसे पहले खा के ना जो सो गए थे उसकी वजह से अब हमारा हाजमा नहीं सही ठीक हो रहा, अभी पेट वो है, अभी से निकल रही है वापस दोपहर वाला खाना। वो आ सकता है, हाँ जिसने खाना है वो तो आ सकता है, हमारे साथ खा सकता है खाना। सही हो गया, ओके हो गया जी। मेहमानों ने खाना खा लिया है, और ये देखिए अम्मी जान और बच्चे सब ये भी इधर आ चुके हैं। ये देखो आप, आपने नहीं खाना, इसका मुंह लटका हुआ है। इसको मैंने बोला है खाना खा लो, तो बोला नहीं, पता नहीं गुस्से है, पता नहीं क्या गुस्से हो। जूते की कमाल होगी फिर। उसका कैप्सूल उधर पड़ा है ड्रेसिंग में, जो दराज है ना ड्रेसिंग टेबल की, उस दराज के अंदर नीचे वाली दराज में पड़ा है। और इधर देखे चुनिया मुनिया जो है ना खाना खा रही हो, पहले उधर अम्मी के साथ बैठी थी, फिर इधर आ गई अम्मी, आप मुझे खिलाओ। हाँ यहाँ पर सब खाना खा रहे हैं, और मेहमान जो है ना इन्होंने खाना खा लिया। नंबरदार आपने खा लिया? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अमीना आप क्या कर रही हो? बैठी हो थक पे। अच्छा रोटी खा ली है? कितनी खा ली? चाय पी होगी, रोटी खा ली है। कितनी रोटियां खाई हैं? दो रोटियां खाई हैं। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, इसने भी दो रोटियां खा ली हैं। और अभी जो है ना सलमा आप क्या आप सोच रही हो? टाइम 9 बज चुके हैं, ये देख लो 9 बज चुके हैं। जी हाँ 9 बज गए हैं, तो अभी जो है ना मैं कहता हूँ कि कोशिश करो कि टाइम निकालो और गोली हो जाओ। हाँ जल्दी करो फिर, इनको ना जल्दी जल्दी से खाना खिलाओ। ये देखो अपने हाथों से नहीं खाती, वैसे कभी कभी जिद करती है, वैसे तो अपने हाथ से खाती है। अच्छा। कभी कभी रोज जो है ना जब बच्चे नींद से उठते हैं तो फिर ऐसे जिद करते हैं। ये भी लेट तक सोई रही ना, अब ये हर चीज का जिद कर रही है। सही सही, बच्चे भी सो रहे हैं। आप भी सो रहे थे? ये सब ना चलो चलो खाना खाओ जल्दी जल्दी। नहीं सोएंगे ना अब तो, कोई नहीं सोएगा ना रात को, तो मेरे ख्याल नहीं सोएंगे। नहीं आप नहीं सोओगी? अम्मा चलना। अच्छा अम्मा जाला के साथ सोई पड़ी थी? कब? सुमसो सोएगी अम्मा जाला के साथ, मैं अभी सोऊंगी। अच्छा अच्छा, और शहजादे क्या बोल रही है? आप क्यों नहीं सोओगी? पूरी रात नहीं सोओगी? क्या करोगी, बकरिया चराओगी? क्या करोगी फिर? आराम से, ऐसे नहीं करो, आराम से बात करो। मैं टीवी चलाऊंगी। बड़ी शौकीन हो टीवी की? हाँ। सुबह आप क्या कह रही थी? आपने कितनी छह चोटियां बनी है, ये छह चोटियां लगाई हुई है। आपने एक चोटी लगाई है? उसने छह चोटियां लगाई हैं। ये निकल गई हैं, ये भी पीछे से किए हुए थे, वो इनके बाल जो है ना ये एक लगाती थी, आज इन्होंने नहीं उतारी, नहीं तो ये उतार के फेंक देती, फिर बाल जो है ना ऐसे
मुंह पे आगे आते थे तो फिर पसीना होता था इनको, फिर रोती थी, गर्मी लगती, इसलिए मैंने सारे बाल इनके जो है ना ओ, चोटियां बना कर चोटियां बना दी, ऊपर कर दिए। अच्छा चलो सही हो गया, बस आप जल्दी करो, आप टाइम वेस्ट ना करो। हाँ, ठीक है, मैं तो कहती हूँ मम्मी आप ना इसको अपनी तरफ करें तो हाँ चले जी। खाना खा लिया जी, खा लिया। हाँ सही है, चले चलो जी, चलते हैं फिर इनके घर और उधर जो भी माहौल होगा आप लोगों से शेयर करेंगे। मेरी बाइक जो है ना वो इधर बाहर खड़ी हुई है और अब चलते हैं वो सामने जहाँ लाइट लगी हुई है उस जगह पे। हाँ चलो चलें जी, चलें। हाँ चलो जी चलते हैं, बच्चों को ना इधर सुला दिया है कि वो ऐसी बीमारी ऐसी है ये ना कि उनको लग जाए, फिर अभी जो है ना चलते हैं फिर उधर। आते ही अभी हम पहुँचे क्या तो आप ना ये सालन रोटी लेकर आ गई, क्या चाहते हो आप लोग? मैंने कहा आपके लिए ले आई हूँ। नहीं नहीं हमने नहीं खानी ये, आप ना आपको दिखाओ अकरम भाई की सेहत का। तो जी दोस्तों मैं सॉरी बात बताना भूल गया, वो तो अकरम भाई की वीडियो में था कि हम पहुँच चुके हैं अकरम भाई के घर और इधर जो है ना इनकी तबीयत जैसा कि आप सब ने देखा है कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमने कहा चलो पूछ आते हैं इनकी हाल अहवाल ले लेते हैं, तो उनकी वीडियो भी हमने बनाई ताकि उनकी चैनल का भी मसला ना बने, वो भी हमने किया है। इंशाल्लाह आप सब ने उस वीडियो को भी देखना है, वो की वीडियो हमने बनाई है, उधर जाकर फुल वॉच करनी है। और अभी जो है ना हम इधर आए हुए हैं इनके हाल अहवाल लेने, तो सुनाएं अपनी तबीयत का। अब बेहतर है, अब बेहतर है। ये देखें जी यहाँ पर ना ये सारे अब दाने काले काले हो चुके हैं, ये लाल लाल थे अभी काले, लाल लाल थे अब जो है ना काले काले हो गए हैं। तो अब जो है ना अल्लाह खैर करे, कुछ फर्क पड़ गया है, वो जो जलन थी ना अभी वो नहीं है। अभी अभी जो है ना वो एलर्जी शुरू हो गई है, खारिश, क्योंकि खारिश का तो मुझे पता है वो इसलिए हो रही है कि ये जख्म जैसे जैसे ये छोड़ता जाएगा ना तो एलर्जी करते हैं। हाँ ये फिर काले हो जाएंगे, बिल्कुल स्याह काले, यही होता है। ये अचानक से पता नहीं क्या हो रहा है इनके यहाँ भी और मेरी सिस्टर के घर, मुखलिस वालों के घर, समीना के घर, उसके बच्चों के साथ, उनके साथ भी यही सिचुएशन बनी हुई है और ये अकरम भाई के साथ भी यही हुई है, इसके बच्चों के भी साथ। अल्लाह का शुक्र है, अब बच्चों का कुछ फायदा है ना, फर्क है ना, बच्चों को फर्क है, बच्चों का कुछ फर्क है, सबसे ज्यादा यही जैसे करवाया है ना इनसे कम था ना बच्चों को। हाँ। बच्चों को कम तो, था लेकिन हाजरा को उस टाइम जब दम करवाने गए ना थोड़े थोड़े से थे, 5-7 दाने थे। अच्छा फिर अभी आज उसको भी काफी ज्यादा और निकले हैं। हाँ। अल्लाह खैर करेगा। और बाकियों को थोड़े थोड़े से थे, हल्के हल्के से दाने, जैसे ही दम करवाया है तो उनको जो है ना वो ऐसे ऐसे खत्म हो रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो अभी जो है ना आप खाना खाओ, फ्रेश हो जाओ और परेशानी नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। हाँ बहन भाई बोल रहे थे कि ये छोटा सा मसला, इतना परेशान नहीं होना, ऐसे परेशान होगे तो आपकी वाइफ ज़्यादा परेशान होगी, वो पहले भी ब्लड की मरीज़ है और फिर बच्चे हैं छोटे छोटे, वो फिर परेशान होंगे कि हमारे बाबा को पता नहीं क्या हो गया है, तो वो फिर बच्चे ज़्यादा टेंशन में आते हैं, परेशान नहीं होना। हाँ। बस हौसला होता है एक, मतलब बाप का जो होता है ना बच्चों के लिए वो हौसला होता है, ये खुश करेगा बादशाह, गपशप करेगा कि नहीं टेंशन, बस ये आ जाते हैं तो इस हिसाब से। बाकी परेशानी बिल्कुल नहीं लेनी, हम आपके वैसे भी साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाल्लाह, ऐसे ना। हाँ अब आपको कुछ तसल्ली हो गई है भाई को देख के? हाँ जी। हाँ ये भी बहुत परेशान थी कि मेरे भाई को पता नहीं कितना तबीयत ख़राब है, मैं जाती हूँ वो फिर मसरूफ़ थे मेहमानों में, तो आज जो है ना मैंने कहा चल फिर चलते हैं देख लेना, चलो फेस टू फेस बैठ के तो गपशप भी हो जाएगी और जो परेशानी है वो भी बंदे की हल्की हो जाती है जब देखता है ना फेस टू फेस ऐसे बातें। हाँ टेंशन जैसे मैंने वीडियो भेजी थी आपको पहले से, हाँ तो उधर मैयादीन को भेजी और फिर किसको मैंने भेजी थी, वो अम्मी ने देखा तो अम्मी सुबह सुबह हम उधर नाश्ता भी कर रहे थे, अम्मी इधर आ गई। हाँ यही होता है, वो माँ तो माँ होती है, फिर ये बहनें हैं, फिर ये भी इसी हिसाब से परेशान थी बहुत ज्यादा। अम्मी आ गई, अब ये पता है क्या वीडियो मैंने दिखाई फिर रोने लगी, मैंने कहा यार रोती क्यों है, मैंने जब देखा सच में मुझे रोना आ गया। मैं तो मेरी जो है ना बहन भाइयों से भी छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे भाई के लिए, सबने दुआ करनी है कि जल्दी से ठीक हो जाए, अब देखे इतनी परेशान है कि ये वीडियो भी नहीं बना सके। हाँ। इसलिए आज जो है ना हमने इनके लिए सुबह भी वीडियो नहीं गई तो इसलिए अभी वीडियो बनाई है कि नहीं नो टेंशन होने वाली कौन सी बात है, क्योंकि दुख सौ कला पानी में तो आते रहते हैं, वैसे भी 4-5 दिन से एक वीडियो ही जा रही है। हाँ यही है अल्लाह खैर करे, क्योंकि ये दुख सुख तो आते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, देखो इसके काम रोना नहीं, भाई आपका कहता है कि रोना नहीं और ये रोने लग गई।
रोना नहीं है, रोना नहीं है। भाई ये होता है ना, हम तो साथ हैं ना, अल्लाह खैर करेगा। इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी सी बीमारी है, ऐसे आप परेशान और हो रही हो। यार बात असल में ये है कि दुख सुख देने वाली औदात है। हाँ बिल्कुल, शुक्र पढ़ना चाहिए अल्लाह का, दिया तो सुख भी देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, परेशानी तो होती है ना, देखो छोटा सा बच्चा है वो कितनी काम करता है बेचारा, बस ये भी अल्लाह पाक ने आजमाइश डाली है, एक आजमाइश डाली है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को आजमाइश देता है, पता है आपको, इसलिए मैं आपको हर रोज कहती हूँ आप जाके जो है ना उधर पता किया करें कि पानी, चलो बाकी सामान तो ले आता है, पानी के कितनी मसला होता है। हाँ। चलो आप जो है ना एक बार चक्कर लगा लिया करें दिन वो को। आप देखा था आपने कि मेहमानों में बिजी था, लेकिन आप जो है ना मेहमान माशाल्लाह आज का दिन है, कल तो वो चले जाएंगे। नहीं वैसे भी कल तक हो सकता है मैं भी पैर तोड़ने फिरने लग जाऊँ। हाँ क्योंकि आज मुझे चार दिन हो गए, फर्क पड़ चुका है पहले की नस्बत, पहले रेड ज्यादा थे, अब काले हो चुके हैं। पहले पहले जब सलमा ने देखा ना वो काफी ज्यादा था उस वक्त, इसलिए पता है क्या उस वक्त, हाँ जब इसने देखा ना तो ये रोने लगे। मैंने कहा यार रोती क्यों हो, तो कहती है कि देखो मेरे भाई अकेला इधर आया हुआ है और उसको ये मसला बन गया, अब वीडियो कैसे बनाएगा, बाहर भी नहीं जा सकता तो फिर क्या होगा। मैंने कहा हम हैं ना, और वैसे भी महियुद्दीन जैसे आया था वीडियो में बता रही थी आप, मैंने कहा महियुद्दीन भाई आया हुआ है। हाँ, वो तो आए थे, दवाई वगैरह लाकर उन्होंने दी थी। हाँ। और सब्जी वगैरह लाकर हमें दी थी, पानी भर के दिया फिर था। वो दाम करवाने के लिए ले गया। हाँ, दाम के लिए वो जो है ना, वो जो हमसाया बैठा है उधर हमारे साथ, उसने फिर बताया था जिसके पास दाम कराना था ना, उन्होंने कहा इधर एक है औरत उसके पास वो दाम करती है इस चीज का, तो उधर फिर रक्षे पे हम गए। सही सही, कल जैसे कल सुबह तक ना ये सब लाल थे। हाँ। जैसे दम करा के रात गुजरी सुबह देखा तो काले थे। काले हाँ। हो गए, यही अल्लाह खैर करे। ये काले जब देखे ना, ये कितना बड़ा है लेकिन काला हुआ का है। हाँ, ये देखे, ये है बड़ा लेकिन काला हो गया है, पूरे जिससे पैसे काले हो गए। लेकिन बस अल्लाह खैर करे, जब ये काले होते हैं ना समझो कि काम इसका एंड होता है, यानी कि अभी ये पीछे जा एक दो दिन में ना ये नजर भी नहीं आएगा। हाँ, निशान खत्म थे या नहीं थे। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि ये तो शुरू से पता है कि आती है बीमारी। हाँ, ये कहते हैं मुल्क में है। हाँ। इसके टीके लगा रहे हैं पहले से। हाँ। ये हर पास फैली हुई है। हाँ। लेकिन ये उधर अपने अलीपुर में भी आई हुई है, उधर भी सबको ऐसे है, इधर हर इलाके में अलीपुर में ना सोरख की बीमारी। और ये होता है ना, ये मैंने सुना है, ये होती है हर बंदे को लाजमी जिंदगी में एक बार जरूर होती है। लेकिन या कभी बचपन में कोई हुई है, छोटे बच्चे जैसे होते हैं तो पता नहीं है। लेकिन जब से मैं समझदार हुआ मुझे तो पहली बार हुई। हाँ, यही चीज है कि आपका ना हुई हो वो होता है, या बचपन में होती है या बड़े होने, या कहते हैं कब्र तक भी नहीं छोड़ती, कब्र में भी जरूर होती है एक मरतबा। ये ऐसी चीज है, सियाने ऐसे बोलते हैं, पता नहीं बातें उनकी हैं। तो बाकी इंशाल्लाह परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं, और कोई चीज़ की तंगी हो, कोई चीज़ परेशानी हो, टेंशन हो तो ज़रूर बताना है आपने, बिला झिझक हम आपके साथ हैं, जो चीज़ की ज़रूरत हो जैसे है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। वैसे भी हमें कोई चीज़ का अगर मसला होगा तो हम आपको बता देंगे। हाँ, वैसे भी हाँ नंबर वगैरह है। हाँ, ऐसा मसला नहीं है। हाँ, बिल्कुल पास ही हैं। अगर रात का भी कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है तो फिर कॉल करके, मतलब मैंने वैसे तो अकरम को व्हाट्सएप पे पहले भी बोला हुआ था, मजीद मैं वीडियो पे बोल रहा हूँ, तो जैसे मतलब हो कोई परेशानी ऐसी तो फिर ज़रूर आपने बता देना है कि ये मसला है। अल्लाह पाक करेगा, बाकी हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह। बाबा जोर था ना, एक दिन निकला ना जैसे, तो वही दिन था, दिन को निकला फिर रात को सांस बंद हुई, और इस जगह पे ना ये जैसे फ्रंट सामने सीने पे ना इतनी मुझे जलन हुई और सांस बंद हुई, वजह क्या थी, ये निकल रहा था। हाँ, जब निकलता है बहुत तकलीफ होती है, ये ना कोई अंदर अगर रह जाता है तो उसको ये हड्डियां चीर के निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है, तकलीफ इसलिए ये देता है। और इसका टेम्परेचर इतना होता है जैसे समझ लें कि आप के ऊपर बैठे हैं। हाँ, 104 बुखार जैसे लगा हुआ, यानी कि मैं मुझे 4-5 दिन हो गए हैं मेरे कपड़े खुश्क नहीं होते पसीने से। और नहाने का भी रोका हुआ है आपको, इसमें नहाएंगे तो ये अंदर जैसे खड़ा है उधर खड़ा हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही है, वो बोलते हैं कि जो निकल रहे हैं ना, अगर आप नहाओगे तो जो निकल रहे हैं वो नहीं निकलेंगे। हाँ, ऐसा ही है, वो अंदर ही अंदर खड़े रुक जाएंगे, फिर जो है ना मसला बन जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि ये जब ना ये अभी काले जब हो जाएंगे ना सारे, देखेंगे कि न्यू नहीं निकल रहे, खत्म हो रहे हैं, फिर उसके बाद जब नहाएंगे ना ठंडे पानी शाइन लगेंगे, ये सारे खड़ा क्रोड उतर जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो जी दोस्तों, आप सबने देख लिया, हम आए थे ये अकरम भाई का
हाल वाले ने और उनकी वीडियो थी वो कंप्लीट करवाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुकी है। बाकी अल्लाह खैर करेगा, आप बेहतर है कुछ इंशाल्लाह। मजीद आप सब ने भी ज़रूर दुआ करनी है इनके लिए कि अल्लाह पाक इनके ऊपर रहमत करे और इनकी जो तबीयत है इसकी तबीयत फिट हो जाए जल्दी से, ये फिर से आ जाए अमीना की मार खाने अमीना की मार खाने और शर्मा को मार खिलाने आ जाए, फिर शुगर वेला लगता रहेगा ना, ऐसे आते रहते हैं, गपशप होती रहती है, हंसी मजाक होता रहता है। तो अजीब सा लग रहा होगा, यही होता है, अल्लाह खैर करेगा। चलो जी गपशप हो गई है इंशाल्लाह, अब चलते हैं फिर हम घर, उधर से जो भी आगे रूटीन होगी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, आज वीडियो वैसे भी मेरी बहुत लेट आएगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो मिलते हैं फिर कुछ देर में।